कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है, वे बच नहीं सकते। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए नए कानून बनाने जा रही है। भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी, चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो, वे बच नहीं सकते। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। संसद के बजट सत्र में 3 नए क्रिमिनल कानूनों को मंजूरी मिली थी और अब यह कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू भी होगी। वहीं अब बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए नए कानून बनाने जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कानून कारगर साबित होंगे। बिहार कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और बजट सत्र में इस विधेयक को पेश भी कर दिया जाएगा। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। प्रदेश में सुशासन कायम रखने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। नए कानून में भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को 5 से 7 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को एनडीए की सरकार किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो, वे बच नहीं सकते। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। संसद के बजट सत्र में 3 नए क्रिमिनल कानूनों को मंजूरी मिली थी और अब यह कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू भी होगी। वहीं अब बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए नए कानून बनाने जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कानून कारगर साबित होंगे। बिहार कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और बजट सत्र में इस विधेयक को पेश भी कर दिया जाएगा। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। प्रदेश में सुशासन कायम रखने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। नए कानून में भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को 5 से 7 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को एनडीए की सरकार किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।